की आधारशिला रखी गई। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में नागरिक हवाई अड्डा नाल में शुरू करने हेतु शिलान्यास किया गया। इससे बीकानेर के नागरिक और व्यापारी वर्ग अत्यधिक प्रसन्न है। माना जाता है कि नवंबर 2010 तक हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे बीकानेर के व्यापार को नई दिशा मिल पाएगी। बाहर से जो पर्यटन आते हैं उनके लिए ये आज इतना टूर करना, रेलवे से करना, ये बड़ा दुष्कर लगता है। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, मूल मंडी है। मैं कहना चाहूँगा कि बीकानेर में कारपेट की सारी संभावनाएं मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी बीकानेर में कारपेट विकसित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आईकिया वॉलमार्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो उनका एक एक शेड्यूल, एक एक मिनट का शेड्यूल तय रहता है। ऐसे में वो क्या है कि टैक्सी या ट्रेन से वो सफर नहीं करना चाहता है। तो संभवतः मेरा पक्का विश्वास है कि ये वायु सेवा शुरू होने से बीकानेर का औद्योगिक परिदृश्य बदलेगा, बीकानेर को रोजगार उपलब्ध होगा, बीकानेर पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा। देशी और विदेशी पर्यटन बीकानेर आने में खिंचाव कर रहे थे, वो बीकानेर भी अपना नक्शे में नाम पूरे भारत में आएगा। देशी और विदेशी पर्यटन को इसको आने में, यहाँ की जो सुंदरता, बीकानेर की सुंदरता देखने में उनको पशु चिकित्सा